हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैंपिंग इंगल आउटडोर्स। और आज हम लेके आए हैं कैंप किचन रिलेटेड स्टफ जो आप कैंपिंग इक्विपमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को लगता है स्टोव से चलना चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टोव्स होती हैं। स्टोव्स की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो सेशंस में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पॉकेट साइज स्टोव दिखा देता हूँ। दिस वन इज अल्पाइन स्टोव। ये हायर ऑल्टीट्यूड में लोग सबसे लाइट वेट स्टोव लेके जाते हैं। 96 ग्राम वेट है ओनली इसका। इसकी वीडियो बना रखी है इसके बारे में, और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं चला के नहीं दिखाऊंगा अभी। उसके बाद ये बेसिक आपने स्टोव काफी देखा होगा। इसमें सिर्फ साइडवेज ब्यूटेन कैन लगती है। मैं ब्यूटेन कैन के बारे में भी आता हूँ, भी बताता हूँ। लेकिन दिस वन इज बेसिक स्टोव जो हमें नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है। और उसके बाद ये आता है मैक्सन का एल्पाइन स्टोव, जो कि ब्रांड का है। और ये हायर ऑल्टीट्यूड स्टोव है जो कि एक्सपेडिशन वगैरह में यूज किया जाता है और काफी रिलायबल स्टोव है। उसके बाद मैं गैसेस में आता हूँ। तो हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन कैंस आते हैं और ब्यूटेन प्लस प्रोपेन कैंस आते हैं। इनमें ब्यूटेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ये नॉर्मल स्टोव्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि इस वाले स्टोव में सिर्फ इस टाइप की कैंस यूज़ हो सकती हैं, इस तरह की कैंस यूज़ नहीं हो सकती है। तो कैंस की भी एक वीडियो बना रखी हुई है मैंने पिछले प्रीवियस सेशन में, तो आप कैंस की भी वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल में। तो ये अल्पाइन कैंस होती हैं और ये आपकी नॉर्मल ब्यूटेन कैन होती हैं। तो ये ब्यूटेन कैन कुछ स्टोव्स में लग जाते हैं, कुछ स्टोव्स में नहीं लगेंगे। और ये अल्पाइन कैन जो है कुछ स्टोव्स में लगेंगे, जैसे कि इस स्टोव में अल्पाइन कैन्स नहीं लगेंगे, इसमें सिर्फ ये वाले कैन्स लगते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसके साथ आप एडेप्टर यूज कर सकते हो। इस तरह का कुछ एडेप्टर होता है। ये एडेप्टर है जो आप डायरेक्टली कैन के ऊपर लगा सकते हो इस तरह से। तो आप इस स्टोव को डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें कनेक्ट करने के बाद आपका अल्पाइन स्टोव भी बन जाएगा एक तरह से। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको यूज ना करें इस तरह से, क्योंकि रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है इसके साथ अगर आप एडेप्टर यूज करते हैं। तो विदाउट एडेप्टर अगर आप गैसेज यूज करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैं कुछ स्टोव और दिखा देता हूँ। कुछ विंड प्रूफ वाले होते हैं। इसमें ही आपके मैक्सन के जो मैंने अल्पाइन स्टोव दिखाया, ये विदाउट विंड प्रूफ है, जेनरिक स्टोव है, ब्रांड का नहीं है, लेकिन अच्छे काम करते हैं ये भी। कुछ यूटेंसिल्स में आऊंगा मैं। यूटेंसिल्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे कुक सेट वगैरह। अभी हमारे पास काफी पीसेज अनअवेलेबल है। जब स्टोव में आएंगे तो दोबारा हम एक बार वीडियो बना लेंगे। लेकिन मैं कुछ बेसिक से कुक सेट आपको दिखा देता हूँ जो यूज करते हैं कैंपिंग हाइकिंग ट्रैकिंग में, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा सेल आउट होने वाला केटली वाला प्रोडक्ट है। इसमें केटली होती है, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें ये बाउल्स हैं। तीन बाउल होंगे, स्पैचुला होगा, केटली होगी इसमें, फिर इसमें क्लीनिंग के लिए स्क्रबर दे रखा है। ये स्क्रबर हो गया, ये आपका कुछ आपने सूप मैगी वगैरह निकालनी है, ये आपका पोट आ गया जो कि लिड के साथ होता है। अभी लिड निकाली थी, तो इस तरह से लिड लग जाती है इसमें। नॉर्मली लिड के साथ नहीं आते हैं, तो ये लिड वाला कुक सेट है, इसमें भी लिड लग जाती है। और ये आपका पैन आ गया, और काफ़ी लाइट वेट होता है। एल्यूमिनियम का पूरा फ्रेम बना है इसका, और ये पैक के साथ आता है, विच इज़ अ मच बेटर ऑप्शन ले जाने के लिए अपने किसी कैंपिंग ट्रिप में। नेक्स्ट आइटम में आते हैं हम। तो नेक्स्ट आइटम में आपको दिखा देता हूँ, टॉर्चेज यूज़ होती हैं। ये फ्लेमेबल टॉर्च है जो कि आप यूज़ कर सकते हो किसी भी आउटडोर कुकिंग, जैसे आपने बारबेक्यू करना है या फिर आपने आग जलानी किसी आउटडोर एरिया में। तो आपने आग जलाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जला के दिखा देता हूँ, तो इस तरह से टॉर्च यूज की जाती है जो कि बारबेक्यू और मैंने बताया आपको आग जलाने के लिए काम की जाती है। बाकी कुछ स्टोव्स और भी होते हैं जैसे कार कैंपिंग रिलेटेड, तो आप और स्टोव यूज कर सकते हैं जो कि आप हायर ऑल्टीट्यूड में नहीं जाना चाहते लेकिन आप अपनी कार में एक सेफ स्टोव रखना चाहोगे। तो इस तरह से हंस के ब्रीफ केस में 2500 LPG करके स्टोव आता है, जिसमें साइड में कैन लगी होती है इस तरह से। और ये कुछ इस तरह के इनका बेस होता है, ऊपर यहाँ पे वो रखा जाता है कुक सेट। ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुके हैं स्टोव्स के बारे में, तो वो वीडियोस चेक कर लेना, मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो इस तरह के भी कुछ स्टोव आते हैं। दिस वन इज जेनरिक स्टोव, यानी कि किसी ब्रांड का तो नहीं है लेकिन दे आल्सो वर्क फाइन। ये भी ड्यूअल फंक्शनिंग में है, और जो मैंने हंस का भी आपको दिखाया वो भी ड्यूअल फंक्शनिंग में आता है। ये कैंपिंग हाउस कोलमैन की ब्रांड है, तो कोलमैन का ये भी स्टोव है जो बिस्त्रो बोला जाता है। अच्छा स्टोव है ये भी, बट इसमें ड्यूअल फंक्शनिंग नहीं है, इसमें सिर्फ ब्यूटेन कैन लगते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है। बाकी आप पानी ले जाना चाहते हो तो पानी से रिलेटेड भी आपको एक कैन मिल जाएगी, जैसे कि ये किंग कैंप की 8 लीटर कलेप्सिबल वाटर बोतल आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी काम की। जैसे आपका रिवर का सोर्स या पानी का सोर्स जो है थोड़ा दूर है अपनी साइड से, या आपने कैंप साइट लगाई हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, ये इन्फ्लेटेबल बोतल होती है, इसमें पानी भरो आप डायरेक्टली, और ये पानी भरने के बाद इन्फ्लेट हो जाएगी बोतल। अभी पानी के बिना मुश्किल है, बट दिस इन्फ्लेट्स टू मच बिगर साइज। तो 8 लीटर कैपेसिटी है इसकी। पानी अपने दूर से कहीं से भी लेके आओ, आपका
बर्तन धोना, पानी पीना सब कुछ इजीली हो जाएगा, बार बार बॉटल्स लाने की जरूरत नहीं है, और एक्स्ट्रा बॉटल्स होंगे तो उनको यूज कर सकते हो आप। बाकी इसमें कुछ कुक सेट मैं आपको दिखा रहा था, कुक सेट में इसमें फिर छोटा कुक सेट आता है जिसमें आपका पोट होगा, दो बाउल्स होंगे, स्पैचुला क्लीनिंग का दिया होगा और पैन दिया होगा। ये कुक सेट भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं केटली हमेशा रेकमेंड करूंगा क्योंकि हम मैक्सिमम लिक्विड डाइट्स लेते हैं, तो लिक्विड डाइट्स के लिए केटली बेटर रहता है, जल्दी पानी गर्म हो जाता है केटली में। फिर स्टेनलेस स्टील के कुछ कुक सेट आते हैं, स्टेनलेस स्टील काफी कॉस्टली आता है तो कभी हैरान मत होना इनकी कॉस्ट सुन के। इसमें दो बाउल्स और प्लेट्स होती हैं, बट एवरीथिंग इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो प्योर एक तरह से चीज, कभी कैंसरस थिंग नहीं होती, और क्लीननेस में भी इजी होते हैं, क्लीन करना बड़ा आसान होता है इन्हें, कभी वियर एंड टीयर नहीं होता इन चीज़ों का। फिर इसमें ग्लासेस आ जाते हैं, कुछ कैराबिनर के साथ आते हैं ताकि आप अपने बैग के साथ लगा सको इस तरह से, तो ये खुल जाएगा और कैराबिनर के तौर पे आप इसको बैग में लटका लो। कुछ बिना कैराबिनर के आते हैं, कॉस्ट डिफरेंस होता है दोनों में। फिर उसके बाद कुछ फोल्डेबल ग्लासेस आते हैं, स्टेनलेस स्टील अगेन, तो इस तरह से गिलास बन जाएगा, ये आपका छोटा सा बाउल बन जाएगा साथ में, विच इज मच बेटर ऑप्शन एक ट्रैकिंग में जाने वाले पर्सन के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग में लाइट वेट चीज होती है जितना हो सके लाइट वेट। फिर इसमें कुछ फोल्डेबल स्पून सेट आते हैं, जैसे कि ये, इसको मैं फोल्ड करके ओपन कर सकता हूँ, चम्मच लगा फोक लगा और इसको ओपन ऐसे इस तरह से कर सकते हो आप, विच इज मच बेटर ऑप्शन। और इसके अंदर टूल्स भी हैं कुछ दिए हुए, एक नाइफ दी हुई है इसके अंदर, तो प्याज टमाटर छोटे काम करने हो। इसके अलावा हमारे पास एक और सेट आता है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अगली वीडियो में हम शो कर देंगे। फिर कुछ स्टेनलेस स्टील रिलेटेड आइटम आती हैं, जैसे कि स्पून है, फिर आपका फोर्क आ गया इसमें, दिस इज फोर्क, और ये चॉपस्टिक, जो चॉपस्टिक से खाना पसंद करता है, तो इस तरह की आइटम्स। बाकी कुछ फोल्डेबल बॉटल्स आती हैं, तो ये फोल्डेबल बॉटल्स हैं बीपीए फ्री, इस तरह से बड़ी हो जाती हैं, 0.55 लीटर्स कैपेसिटी है इनकी, आधा लीटर तक, और छोटी काफ़ी हो जाती हैं। सेम गोज विथ दिस बॉटल, ये भी कोलेप्सिबल वाटर बॉटल है, अच्छी बॉटल्स हैं, यू कैन यूज देम इन ट्रैकिंग टाइम, जहाँ पे लाइट वेट चाहिए आपको और आपके पास वॉल्यूम भी कम अपने बैग का। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, बारबेक्यू सेट आता है विच इज हैंडी, सेम आपने देखा होगा, इसमें सीख कबाब सीख है, इसमें क्लीनिंग इक्विपमेंट है और आपके अदर इक्विपमेंट मिल जाएंगे जो कि इस पैकिंग में आता है। इस तरह का बारबेक्यू सेट भी आप यूज कर सकते हो। आई थिंक द आइटम्स आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, और इसमें सब बस कूलर बस जाते हैं आपको बताने के लिए। कूलर काफी अच्छे रहते हैं ले जाने के लिए आउटडोर ट्रिप में, और कोलमैन के बेस्ट कूलर्स माने जाते हैं, वर्ल्ड क्लास कूलर माने जाते हैं। इसमें 1 डे से 5 डे आइस रिटेंशन के कूलर्स आते हैं, तो 1 डे से मैं शुरू कर देता हूँ। ये नॉर्मली 1 डे आइस कूलर है, दिस वन इज आल्सो 1 डे आइस कूलर, 1 डे आइस रिटेंशन, कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है इनका। ओपन करो, इस तरह का अंदर से दिखता है, और ये फ्लिप लिड सिस्टम है इसका, ग्लास ऊपर रख सकते हो आप। दिस वन इज सबसे छोटा लीटर कैपेसिटी का कोलमैन का ये कूलर आता है, जिसे 5 QT बोला जाता है, कोलमैन कूलर 5 QT। फिर उसका सबसे बेस्ट जो आता है, अगर 1 डे आइस रिटेंशन चाहिए तो इसमें 16 QT कूलर आता है कोलमैन का, इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आता है हमेशा, तो आप देख सकते हो अंदर, कोलमैन के वैसे ही वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं कूलर्स 16 QT। उसके बाद अगर हम आएंगे तो 2 डे आइस रिटेंशन में आपके पास कोलमैन का 30 QT कूलर आता है, जो कि 2 डे आइस रिटेंशन देता है, और इसकी कैपेसिटी जो है 30 लीटर्स के अराउंड है, इसलिए 30 QT, मतलब उसके अराउंड ही आपकी कैपेसिटी होगी। जैसे 16 QT आपने देखा तो 16 QT का नियरली 14 लीटर की कैपेसिटी होगी, तो उसके अराउंड होती है। बाकी आते हैं 3 डे आइस रिटेंशन के कूलर भी हमारे पास, सबसे बॉटम में आप देखोगे ये वाला कूलर, ये 50 मोर देन 50 लीटर्स कैपेसिटी है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कूलर ले सकते हैं, लेकिन कोलमैन के कूलर बेस्ट रहते हैं लेने के लिए। बाकी इसमें 5 डे आइस रिटेंशन वाला कूलर आता है, जिसकी कैपेसिटी जो है 100 लीटर्स के अराउंड है, ये अपने लॉन्गर ट्रिप के लिए आप यूज कर सकते हो, बड़ी कार हो तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो होप सो आपको काफी पसंद आए होंगे हमारे सारे प्रोडक्ट, और इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देंगे आने वाले टाइम में, जैसे हमारे पास नए प्रोडक्ट आएंगे आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, और तब तक सब्सक्राइब कर लो चैनल। ओके, थैंक यू।